एक दिसंबर से जो धान खरीदी प्रारंभ हुई है उसमें अभी तक 173,491 किसानों ने 7,11,306 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया जा चुका है। इन विक्रय करने वाले किसानों को 700 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। अन्य प्रदेश से जो पहले धान अवैध रूप से लाकर एक खपाने के कई बार प्रयास होते रहे हैं, इस वर्ष में उस प्रक्रिया को ना दोहराया जाए और वास्तविक लाभ जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों जो धान उगा रहे हैं मेहनत से उनको मिले, इसके लिए एक अभियान स्वरूप कार्रवाई जो बिचौलिए या अन्य लोग जो अवैध रूप से धान खपाने का काम करते हैं उनके विरुद्ध की जा रही है, जिसमें अभी तक 2270 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं जो कि 2138 कोचियों के विरुद्ध है। इसमें से 132 प्रकरण ऐसे हैं जहां पे अन्य राज्य से धान राज्य के भीतर लाया जा रहा था और कुल 29,170 टन धान जो कि अवैध रूप से जिसका परिवहन हो रहा था उसकी जब्ती की गई और 260 वाहनों के विरुद्ध भी विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई। इसका पूरा उद्देश्य जो है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में संपूर्ण ईमानदारी से साफ सुथरे ढंग से ये खरीदी की कार्रवाई की जाए। बीच में कुछ भ्रांतियाँ आ रही हैं कि धान खरीदने पे कोई प्रतिबंध लगाया गया है या व्यापारी धान नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि मंडी अधिनियम के तहत 4 क्विंटल के स्थान पर 10 क्विंटल के संग्रहण की अनुमति छोटे व्यापारियों को दी जाएगी, यह काम भी किया जा चुका है। प्रदेश में धान खरीदी की जो पूरी अवधि है वो 15 फरवरी तक की जाएगी। धान खरीदी जो केंद्रों की जो क्षमता के अनुसार जो टोकन व्यवस्था पूर्व वर्षों में भी रही है वो व्यवस्था इस वर्ष भी है, कहीं कोई लिमिट वाला विषय नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कोई लिमिट लगाई गई है, लेकिन धान इस पूरी खरीदी प्रक्रिया में समुचित रूप से व्यवस्थित ढंग से और गुणवत्ता युक्त धान का क्रय हो सके और अवैध धान इसमें ना खपाया जा सके, इसके लिए जो व्यवस्थित ढंग से टोकन के माध्यम से खरीदी की कार्रवाई की जा रही है और 15 प्रति एकड़ 15 क्विंटल की दर से जो मापदंड है उसके अनुसार खरीदी हो रही है और धान खरीदी के लिए हर किसान को अपना उपज बेचने का अवसर दिया जा रहा है। धान खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहे हैं और जो शेष राशि है 2500 के अंतर की उसको देने के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी विधानसभा में, वो मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अपनी अनुशंसा के आधार पर एक पृथक योजना के रूप में उसको लागू किया जाएगा। धान खरीदी के लिए ना तो बारदाने की कोई कमी है और ना ही आवश्यक धनराशि की कोई कमी है, इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।